तो पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र जी से कि 240 से लेकर 280 किलो तक अगर एक बछड़िया का वजन हो जाता है तो वो ज्ञापन के लिए संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। क्विंटल की बात करें तो 35 किलो तक हम उसे अनाज ले सकते हैं। को हमारी को कम करना है या हमें हमारे पास में सुविधाजनक हमारे पास में है तो हम इसमें चूरी मिला सकते हैं। इसके साथ साथ हरा चारा और सूखा, तो मोटे मोटे तौर पे हमें 5 से 6 किलो सूखा चारा, और गाभिन भी है दूध भी दे रही है तो हम मैं गायों के अंदर जिसे हम थंब रूल कहते हैं, थंब रूल का मतलब है कि साधारण किसान को समझाने के लिए कि प्रति किलो पर 400 ग्राम हमें दाना बढ़ाना है। अगर भैंस 10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो वो देने के बाद 6.5 किलो नॉर्मल राशन हो गया। अगर जयपुर जयपुर क्षेत्र में हमें पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र जी से मुलाकात हुई, तो डॉक्टर साहब से आज की वीडियो में मैं आपको पशुपालन में संतुलित पशु आहार का क्या महत्व है, उसको देने का तरीका क्या है और उसको आम किसान अपने घर पर कैसे बना सकता है, तो 1 क्विंटल में क्या क्या चीजें हमें चाहिए, तो पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र जी से मैं पूरी डिटेल में आज की वीडियो में जानकारी दिलाने वाला हूँ कि डॉक्टर साहब एक किसान अपने घर पर संतुलित पशु आहार कैसे बना सकता है और पशु आहार का महत्व तो क्या है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाई। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संतुलित पशु आहार का पशु के लिए क्या महत्व है, उसके ऊपर थोड़ा विशेष प्रकाश डालना चाहिए। देखिए सर, संतुलित पशु आहार का पशु के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कार्य संतुलित आहार ही है। अगर संतुलित आहार पशुओं को मिलेगा तो वो समय पर ज्ञापन होगी, उनके शारीरिक विकास पूरा होगा। देखिए संतुलित आहार और उसके प्रथम जो बयात होती है उसके बीच में बिल्कुल सीधा संबंध होता है। जितना संतुलित आहार होगा उसी आधार पर पशु को उसका वेट बढ़ेगा। जैसे ही उसका वेट बढ़ेगा और एक हम एक नॉर्मल वेट मानते हैं कि 240 से लेकर 280 किलो तक अगर एक बछड़िया का वजन हो जाता है तो वो ज्ञापन के लिए संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। तो इसका मतलब संतुलित आहार सीधे सीधे आपकी उत्पादकता पर निर्भर करता है। आहार को हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिदिन दिया जाने वाला जो राशन होता है, प्रतिदिन दिया जाने वाला जो उसको भोजन होता है, उसको हम एक आहार की श्रेणी में बांटते हैं। अब इस का महत्व के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो महत्व देखिए मैंने बताया, प्रजनन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उत्पादकता के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है, आगे आने के टाइम पे बछड़िया कितना दूध देगी ये भी उसकी प्रथम बयात पे दिए जाने वाले भोजन पे ही निर्भर करता है। तो डॉक्टर साहब अब उसके बाद संतुलित पशु आहार बाजार में तो मिलता है, लेकिन एक किसान अपने घर पर बनाना चाहे तो कैसे बनाए, उसको 1 क्विंटल के पीछे उसको क्या क्या चीजें चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, और उसके बाद आपसे पूछूंगा मैं कि दूध वाली गाय भैंस को देने का तरीका क्या, वो बाद की बात है, पहले आप प्लीज एक बार 1 क्विंटल के अनुपात हमें बताइए बारीकी से कि कौन कौन सी चीजें किस मात्रा में हो। देखिए इसको बताने से पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, हमारे पशुपालक किसी के भी कहने पर कोई भी आहार तुरंत परिवर्तन कर देते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आहार में परिवर्तन जब भी करना हो उस पशु के 5 से 7 दिन के अंदर धीरे धीरे आहार में परिवर्तन करिए। इसके साथ साथ जब भी आहार बढ़ाना हो, कई बार पशु ज्ञापन होता है तो ज्ञापन के अंदर हमें अधिक मात्रा में आहार देना होता है, तो उस आहार की मात्रा को भी हमें एक साथ नहीं बढ़ा के रोज का 400 ग्राम से लेकर उसे 1 से 1.5 किलोग्राम तक बढ़ाना चाहिए। दूसरा, बाजार में मिलने वाले आपने बहुत सारे बाँट की बात करी, जिसे हम साधारण भाषा में बाँट कहते हैं, जो सांद्र आहार होता है, इसकी जांच हम नहीं करवाते हैं। तो प्रयोगशालाओं में सबसे पहले इसकी जांच करवाएं, अगर वो अनुकूल नहीं है तो उसको हम बदल दें। देखिए जो मुख्य रूप से इसके अंदर पाचक तत्व होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा के रूप में हम लिया जाता है। तो मिनिमम जो प्रोटीन रखा जाता है वो 18 से 22% तक रखा जाता है। इससे कम अगर प्रोटीन होता है तो उसको हमें देखना होगा कि वो उसमें प्रोटीन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ पर आहार का परीक्षण किया जा सकता है। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या क्या मिलाना चाहिए, ये देखिए एक थंब रूल है, बहुत तरीके के आहार बन सकते हैं पर मोटा मोटा थंब रूल ये होता है कि हमें अनाज लेना है, अनाज का जो प्रतिशत होगा वो हमारा 30 से 35% हमें अनाज रखना है, यानी 1 किलो के अंदर अगर हम बनाएं तो 350 ग्राम तक हमें अनाज रखना है, या 1 क्विंटल की बात करें तो 35
किलो तक हम उसे अनाज ले सकते हैं। दूसरा, हम उसमें खल लेंगे। खल बहुत सारी आती है बाज़ार में अपनी सुविधा के अनुसार, और पैसे की कीमत को देख के हम खल बदल सकते हैं, जिसमें सरसों की खल, बिनोला की खल सबसे उपयुक्त रहती है। अगर हम प्रोटीन डाइट और देना चाहते हैं तो सोयाबीन की खल भी हम उपयोग में ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी 30 से 35% तक होती है, यानी 70% हमें जो मेजर पोर्शन है हमें अनाजों से और खल से पूरा करना है। इसके बाद हमारा तीसरा पोर्शन आता है, इसमें अनाजों के बाय प्रोडक्ट यानी अनाजों से मिलने वाले उत्पाद, जैसे चोकर हुई, इसका हम उपयोग चापड़ चोकर का उपयोग किया जा सकता है, गेहूं के चापड़ हो सकती है या सोयाबीन के चापड़, या चावल के अंदर भी हम डी ऑयल्ड राइस ब्रान मिलती है जिसमें वसा निकाला हुआ होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो 10 से 20% तक, 25% तक इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कॉस्ट को हमारी को कम करना है, या हमें हमारे पास में सुविधाजनक हमारे पास में है, तो हम इसमें चूरी मिला सकते हैं, जैसे चना चूरी हो सकती है, मूँग चूरी हो सकती है, उसका प्रतिशत हम 10% से 15% रख सकते हैं। बचा हुआ 2 या 3% है जिसके अंदर हमें नमक और मिनरल मिक्सर मिलाना है, तो 2% हम मिनरल मिक्सर और 1% साधारण नमक मिलाते हैं। इनको मिलाने की वजह से शरीर में आयन का संतुलन रहता है, विटामिन की मात्रा पूर्ति रहती है, जिसमें विटामिन AD3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पशुओं में बांझपन को भी रोकती है, पशु सही समय पर ताव में गर्मी में आता है और गाभन होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक ये जनरल फार्मूला है, हमें इसको इस हिसाब से बनाना चाहिए। समय और मार्केट की उपलब्धता के हिसाब से हम बदल सकते हैं, कभी हम मक्का भी ले सकते हैं, गेहूं का दलिया भी ले सकते हैं। खल में अगर हमें सरसों की खल की उपलब्धता है, क्षेत्र के हिसाब से भी इसको हम बदला जा सकता है। इसके साथ साथ हरा चारा और सूखा, तो मोटे मोटे तौर पे हमें 5 से 6 किलो सूखा चारा और उसकी उत्पादकता और उसकी गाभन की स्थिति के आधार पर बांट देना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कितना बांट देना है। और उसके बाद में हम उसे हरा चारा, हरा चारे का एक सीधा सिंपल रूल है कि जितनी उसकी इच्छा हो उसको उतना दिया जाए, लेकिन 15 से 20 किलो अगर हरा चारा उपलब्ध होता है तो एक वयस्क गाय के लिए सफिशिएंट है। तो डॉक्टर साहब, अब इसके बाद एक दूध देने वाली भैंस को और दूध देने वाली गाय को, जो आपने अभी बताया कि संतुलित पशु आहार है, इसकी मात्रा का और थोड़ा सा बताएं तो हमारे किसान भाइयों को समझने में आसानी रहेगी। कि दूध को जैसे मैं पूछना चाहूंगा, आप अपने ढंग से बता देना कि 1 किलो दूध के पीछे ये जो संतुलित पशु आहार हमने बना लिया, कितने ग्राम या किलो या कितनी मात्रा हमें देनी है, और गाय के लिए कितनी देनी है, दोनों के लिए एक ही है तो एक वही बताएं, और अलग अलग है तो वो भी थोड़ा सा बताएं। जैसा कि हमने बात करी सांद्र राशन की, तो गायों के अंदर जीवन निर्वाह के लिए 1.5 किलो हमें प्रतिदिन देना है। जीवन निर्वाह का तात्पर्य है कि गाय ना तो गाभिन है और ना ही दूध दे रही है, इसी स्थिति के अंदर उसके जीवन को निर्वाह करने के लिए 1.5 किलो और भैंसों में 2 किलो हम अतिरिक्त 2 किलो राशन प्रतिदिन देते हैं। अगर इसी स्थिति में भैंस दूध दे रही है या गाय दूध दे रही है, तो उनके प्रति किलो दूध के हिसाब से राशन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। गायों में प्रति किलो दूध के हिसाब से 400 ग्राम राशन को हम अतिरिक्त राशन देते हैं, जबकि भैंसों में 500 ग्राम राशन दे देते हैं। अर्थात मैं ये कहूँ कि अगर एक गाय 10 किलो दूध देती है तो 1.5 किलो तो उसके जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला राशन, साथ के साथ 4 किलो राशन हम अतिरिक्त देते हैं, क्योंकि वो उस समय लैक्टेशन पर है, दूध दे रही है। तो ऐसी स्थिति में 5.5 किलो गाय के लिए, और अगर भैंस दे रही है तो 5 + 1.5 = 6.5 किलो राशन भैंस के लिए दिया जाता है। और अगर आगे जाके वो प्रेग्नेंट होती है तो हर 6ठे महीने से हम प्रतिदिन उसका राशन धीरे धीरे करते हुए 1.5 किलो तक और बढ़ाते हैं। यानी जो गाय पहले 10 किलो दूध दे रही थी, उसके लिए हमने 1.5 किलो तो जीवन निर्वाह राशन, 4 किलो उसका प्रतिदिन दूध का उत्पादन का, और 1.5 किलो अतिरिक्त जो हम प्रेगनेंसी में चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में देखिए उसके शरीर में खुद के जीवन निर्वाह के साथ साथ उसके आने वाले संतति के लिए भी उसे चाहिए। बच्चा जब पेट में होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट 6ठे महीने से बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो ऊर्जा के लिए हमें ये ऊर्जा पूर्ति के लिए राशन देना पड़ता है। तो इस हिसाब से एक गाय के लिए आप देखेंगे 6 से 7.5 किलो तक प्रतिदिन राशन की आवश्यकता होती है। ये तो बात हुई सांद्र राशन की। इसके अलावा हम सूखे चारे की बात मैंने आपको बताई। सूखा चारा एक थंब विधि से, या हम कहें अंगूठे से, या अनुमान विधि जिसे कहते हैं, अनुमान विधि के आधार पे 5 से 6 किलो सूखा चारा। सूखे चारे का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पेट को भरना होता है। इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, बहुत अधिक ऊर्जा नहीं होती है। इसका काम है, क्योंकि
चारे की कॉस्ट को कम करना, साथ में पेट भरना। पेट की जो इनकी साइज़ होती है गाय भैंस में बहुत अधिक होती है, उसको भरने के लिए हमें सूखा चारे की आवश्यकता होती है। इस सूखे चारे के अलावा हम हरे चारे की देते हैं, क्योंकि हरा चारा हमारे क्षेत्र के अंदर उपलब्धता कम रहती है, इसलिए आजकल साइलेज और इस हे के रूप में उनको हम संरक्षित कर लेते हैं हरे चारे को। पर फिर भी अगर हरा चारा हमें उपलब्ध है तो बरसीम और जई रिचका इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा पशु को उसकी स्वाद अनुसार या उसकी इच्छा अनुसार दिया जाता है, पर फिर भी 15 से 20 किलो एक पशु के लिए सफिशिएंट रहता है। तो दोस्तों, ये आप पशु चिकित्सा अधिकारी जयपुर डॉक्टर देवेंद्र जी को सुन रहे थे, जो इतनी अच्छी बात इन्होंने संतुलित पशु आहार के बारे में आप लोगों को बताई। वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं साइड में सब्सक्राइब लिखा और बेल का बटन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और डॉक्टर साहब का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।